ऑटो है ओके <coughs> ठीक <Okay. coughs> <Okay. coughs> है सो वेलकम बैक मैन्योर ए टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर आप सभी का ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत हूँ आज के सेशन में आज की इस क्लास में आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने वाले हम सीखने वाले हैं फोर्टी फाइव डेज क्रैश कोर्स में हमारा डे एट होने वाला है यानी कि आज के दिन हम लोग डिस्कस करेंगे एस बी आई क्लर्क को लेकर के वो तमाम सवाल वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन का पार्ट बन सकते हैं और जैसा कि हमने हमेशा बोल रखा है आपसे कि प्रिपरेशन हमेशा या तो एग्जैक्ट उसी एग्जाम लेवल की करो है ना या तो फिर उससे एक लेवल अप करो प्रिपेयर फॉर द हार्डेस्ट जो हम आपको लगातार कहते हैं क्योंकि इजी लेवल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है ठीक है आप खुद से प्रैक्टिस करो आप, आप खुद से भी मॉक्स दो आप खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो हमेशा याद रखो कि या तो मॉडरेट या तो हार्ड या तो मॉडरेट या तो डिफिकल्ट या तो मॉडरेट या तो डिफिकल्ट ईजी लेवल का कोई यहाँ पर सीनैरियो नहीं होना चाहिए ठीक है क्योंकि अगर आप ईजी करोगे तो फिर आपके माइंड में एक मैसेज जाएगा कि यार पेपर ऐसे ही आएगा और ऐसे ही चक्कर में एग्जामिनेशन में कुछ भी हो सकता है क्लर्क का लेवल देखते देखते पीओ बन जाता है कब पीओ का लेवल क्लर्क बन जाता है कुछ पता नहीं है तो हमेशा कोशिश करेंगे हमेशा एक लेवल की तैयारी करें जिससे कि क्वेश्चन का पेपर इजी आए मॉडरेट आए टफ आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हम तैयार हैं है ना बच्चों हम तैयार हैं चलिए फिर जल्दी शुआ करते हैं अपने ताबड़तोड़ अपने से ब्यूटिफुल सेशन की क्योंकि हम सब पढ़ना बहुत कुछ और समय बहुत है कम सोचो कुछ शुरुआत कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ शुरुआत कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज़ों में बच्चों डिस्काउंट चल रहा है बुक्स के ऊपर तो बुक्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है तो आप इन बुक्स को इनरोल कर सकते हो ये इंग्लिश वर्जन है ये हिंदी वर्जन है वायरल मैथ्स की कैलकुलेशन की बुक है छोटी सी बुक है आपके हाथ में रहेगी जब मन करेगा प्रैक्टिस कर पाओगे पैंतालीस से अधिक क्वेश्चन चलते हैं इसमें है ना तो कोड क्या है वाई के आगे बस आपको एस कोड यूज करना है हाँ बुक्स के ऊपर डिस्काउंट चल रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चों से कि सुप्रीम बुक्स का जो सेट है बेटा वो जरूर इनरोल करेंगे सुप्रीम या फिर सुप्रीम टू पॉइंट ओ ठीक है जो भी आपको सही लगे सब एक ही है एट बुक्स का कंप्लीट पैकेज है क्योंकि नया जो सेट आया ना वो टू पॉइंट के फॉर्म में ठीक है ठीके? तो आप इसे इनरोल करके अभी क्योंकि डिस्काउंट चल रहा है ट्वेंटी फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है और आ, फ्री डिलीवरी भी है तो इनरोल करके अपने घर पर मंगा सकते हो कोड यही है वाई चलिए पहला क्वेश्चन पूछो आपके स्क्रीन पर रॉन्ग नंबर सीरीज का ये रहा परफॉर्म करे सारे बच्चे <coughs> मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन आप दो मिनट के अंदर तो नहीं कर पाओगे एक मिनट हम आपको और देते हैं चलो ठीक है मतलब बीस सेकेंड के अंदर तो नहीं कर पाओगे हम आपको बीस सेकेंड और देते हैं ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर सही आंसर क्या होने वाला है <coughs> सर एस अच्छे है या फिर सुप्रीम बेटा सुप्रीम में एस क्वांट एस रीजिंग एस इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव कॉम्प्रिहशन पूरा सारा सेट एट बुक्स का कंप्लीट एट बुक्स का सेट है सुप्रीम टू पॉइंट ओ में ठीक है एस क्वांट तो सिर्फ एस क्वांट है ना वो तो सिंगल बुक है सुप्रीम में पूरा पैकेज है कंप्लीट पैकेज को सुप्रीम कहा जाता है ठीक है ठीक है ठीक है नहीं कर पा रहे है ना चलिए देखते कोई बात नहीं अब इस क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत शानदार है हम क्यों कहते हैं कि प्रिपेयर फॉर द हार्डेस्ट दिमाग की नसें खुल जाती है ना एकदम दिमाग तरोताज़ा हो जाता है आपका अगर आप ध्यान से देखो तो क्या ये बच्चों तरो का डबल तो नहीं है बोलो या हाँ ना क्या थ्री फोर्टी थ्री का डबल है हाँ जी है तो इसका मतलब क्या हुआ ये सेवन का क्यूब है और उसका ये डबल है ये देखो क्या है बेटा अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये दो सौ सोलह का डबल तो नहीं है यानी कि क्या ये छः का क्यूब और उसका डबल तो नहीं है <स्भी> समझ में आया क्या ये 125 का डबल तो नहीं है हाँ तो जी है तो यानि कि ये फाइव का क्यूब उसका डबल तो नहीं है हाँ जी है यहाँ देखो क्या है क्या ये 64 का डबल है हाँ जी है यानी कि ये फोर का क्यूब है ना और यहाँ पर क्या बेटा यहाँ पर यहाँ पर क्या था कहाँ तक पहुँचे हम लोग सॉरी फोर का क्यूब फोर का, का क्यूब है ना फोर का क्यूब क्यों बच्चों ये फोर का क्यूब सिक्सटी फोर अच्छा सिक्सटी फोर लिखा था मुझे सिक्सटी पावर फोर लिख दिया मैंने क्या ये सत्ताईस का डबल है हाँ जी है तो यानी कि थ्री का क्यूब प्लस मल्टीप्लाइड बाई टू यहाँ पर क्या है देखो यहाँ पर ये सोलह है है ना ये क्या है ये आठ का डबल है आठ का डबल क्या होता है टू का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई टू बात सही है इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए था बच्चों यहाँ पर फोर का डबल होना चाहिए था ये है ना नहीं फोर का डबल नहीं फोर नहीं वन का डबल होना चाहिए था है ना वन का डबल क्योंकि वन का क्यूब वन होता है और उसका डबल यानी कि टू होना चाहिए था यहां पर यानी कि वन नहीं हो सकता सो वन वुड बी द रॉन्ग नंबर सर डबल डिफरेंस हो रहा है डबल डिफरेंस भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन ये सीरीज जो ये पैटर्न मैंने दिखाया अगर आपने अगर आपके माइंड में तुरंत उसी मोमेंट पर ये पैटर्न दिख गया तो आपका समय भी तो बचाना डबल डिफरेंस में कुछ तो एक्स्ट्रा टाइम आप दे रहे होे ना यहाँ पर क्या है आपने सिर्फ क्यूब के ऊपर फोकस कर लिया तो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ इसी पैटर्न पर ये आप पूरी सीरीज को डिकोड कर रहे हो नहीं 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 एक सीरीज हो सकता है दो से तीन पैटर्न पर सॉल्व हो रही हो आंसर हर बार आपका एक ही देखने को मिलेगा ठीक है तो आप अगर डबल डिफरेंस से करोगे तो भी हो सकता है वही आ रहा हूँ मुझे ये ऑब्जर्वेशन में मेरे आया तो मैंने आपको ये बता दिया ठीक है इंपॉर्टेंट है कि आप कितने मल्टी डायरेक्शनल आप सोच पा रहे हो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें सारे बच्चे ये तो कर लोगे ये तो आसान है है ना बच्चों ये तो कर ही लोगे ये तो आसान है ध्यान देखो कैसे हमें गैप पे काम करना है तो गैप क्या है देखो छह का गैप है यहां देखो गैप कितने का है आठ छह चौदह छह का गैप है यहाँ देखो गैप कितने का है यहाँ बच्चों हमने सर बारह का गैप है यहाँ देखो गैप कितने का है यहाँ पर सोलह का गैप है है ना यहाँ पर बच्चों बताओ यहाँ पर तो बीस का गैप दिख रहा है मुझे यहाँ पर गैप बताओ बीस चार बीस और चार है ना हाँ जी बिल्कुल चौबीस का गैप है तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ चौबीस यहाँ बीस है यहाँ सोलह है यहाँ बारह तो यहाँ आठ आना चाहिए था यहाँ चार आना चाहिए था बोलो ये और ये गलत है तो इनके बीच का जो कॉमन फ्रेंड है वो गलत होगा यानी कि एट हमारा रॉन्ग होगा जवाब दो फिफ्थ ऑप्शन हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है कमाल है बहुत शानदार अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म रहे तेजी के साथ बहुत बढ़िया वेरी नाइस ये भी हो जाएगा है ना ये भी हो जाना चाहिए देखो कैसे यहां क्या गाप? देखो, गाप का है। so, 144 और चौदह के बीच और एटी आ गया यहां पर गैप बताओ सारे बच्चे सो so, मैं अट्ठाईस और बाईस के बीच का गैप देख रहा हूं छे का है और नौ और पांच बीच है वो चार का है सिक्सटी फोर आ गया इधर देखो सारे बच्चे जल्दी से तीन सौ बत्तीस है और इधर टू एटी नाइन है इधर से ग्यारह उधर से बत्तीस बत्तीस और ग्यारह कितना होता है बत्तीस और ग्यारह फोर्टी थ्री होता है कुछ अजीब सा लगा यहाँ देखो तो स्क्वायर्स दिख रहे थे यहाँ पर फोर्टी थ्री आया सिर्फ चलो कोई बात नहीं यहाँ पर आते हैं थ्री थर्टी टू और थ्री सेवेंटी फोर का गैप यानी कि मैं चालीस जोड़ के दो और जोड़ दूँ तो बयालीस का मुझे गैप दिख रहा है कोई बात नहीं चलो यहाँ आते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेवेंटी फ़ोर है ना सेवेंटी फ़ोर यानी कि दो और पाँच यानी कि पच्चीस का गैप दिखा वापस से देखो स्क्वायर्स दिखना शुरू हो गए थ्री नाइन्टी नाइन यानी कि उधर से पंद्रह इधर से एक यानी कि सोलह का गैप है तो साफ तौर पे दिख रहा है ये किसी का स्क्वायर है किसका ये नाइन का स्क्वायर है ये बेटा एट का स्क्वायर है ये किसी का स्क्वायर नहीं है ये किसी का स्क्वायर नहीं है ये देखो फाइव का स्क्वायर है।, है ना ये देखो ये फोर का स्क्वायर है तो पैटर्न तो क्लियर है फोर फाइव यहाँ पर आएगा सिक्स का स्क्वायर यहाँ पर आएगा सेवन का स्क्वायर अब ये दोनों अगर गलत हो गए तो मैंने आपको बहुत डिटेल में बहुत डेप्थ में बता रखा है कि अगर ये दोनों गलत होते हैं तो इनके बीच का जो कॉमन फ्रेंड होता है वो गलत होता है इसकी जगह पर क्या बैठेगा उस पर हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है क्लियर हो गया तो थ्री थर्टी टू यानी कि तीन सौ बत्तीस वोट बिता राइट आंसर इजी अगला प्रश्न किया जाए बच्चों अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें। तेजी के साथ कर पाओगे देखो यहाँ पर बच्चों ध्यान से ये नेवर गिव अप सीरीज है देखो नेवर गिव अप सीरीज है थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में है नेवर गिव अप सीरीज जो है वो थोड़ी सी एडवांस्ड फॉर्म में है बोलो ये थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म में है तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बताओ यहाँ पर राइट अप्रोच क्या होने वाली है तो आसान है ध्यान से फोर और थर्टी फोर के बीच में अगर हम देखें तो ये पहले तो हम पॉइंट फाइव का प्रोडक्ट करेंगे है ना पॉइंट फाइव का हम प्रोडक्ट करेंगे ठीक है और जैसे हम इसका पॉइंट फाइव का प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा ये बत्तीस आएगा नेवर गिव अप में तो हम पॉइंट फाइव से ही शुरू करते हैं याद हो चुका होगा रट चुका होगा इतनी बार बता चुके हैं तो बत्तीस आएगा बत्तीस में फिर हम दो ऐड कर देंगे राइट यहाँ देखो क्या है थर्टी फोर एंड थर्टी सिक्स में हम क्या करने वाले हैं अगर हम इसमें वन का प्रोडक्ट करके टू ऐड कर दें तो यही आएगा बिल्कुल नेवर गिव अप सीरीज का पैटर्न है ये हमने आपको लिखवा रखा है ठीक है यहाँ देखो क्या वन पॉइंट फाइव का प्रोडक्ट करेंगे यानी कि इसमें अठारह जोड़ देंगे चौवन आएगा प्लस टू जोड़ देंगे छप्पन आ गया मतलब समझ में आ गया हम लोग को पैटर्न है ना यहाँ देखो एक होगा फिर दो जोड़ देंगे एक हो चुका होगा यहाँ देखो क्या है पैटर्न क्या कहता है टू है यहाँ पर इसका पैटर्न ठीक है टू यानी कि दो में आपको क्या जोड़ना है फिफ्टी सेवन में फिफ्टी दो में हाँ तो दो आएगा प्लस हम दो जोड़ देंगे दो हो चुका होगा यहाँ देखो क्या है यहाँ पर हम इसका तीन गुना करने वाले हैं और फिर हम दो जोड़ने वाले हैं यूनिट प्लेस को चेक कर सकते हैं सेवन थ्री या ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन में टू जोड़ दो थ्री आना चाहिए आठ सौ साठ का तो कोई मतलब ही नहीं है ना यूनिट प्लेस में जीरो का को तो कोई मतलब ही नहीं है यानी कि बी ऑप्शन वुड बी द राइट वन ठीक है आगे बढ़ें अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ बहुत शानदार वेरी नाइस हो पाया यहाँ देखिए क्या है इसे कैसे करेंगे आसान है बच्चों यहाँ देखो फोर से शुरू हो रहा है और कहाँ पहुँच गया चार हज़ार आठ सौ पर इसका मतलब प्रोडक्ट पर काम हो रहा है ठीक है प्रोडक्ट पर काम हो रहा है इसका मतलब हमने वन से मल्टीप्लाई किया लेकिन हमें पाँच तो मिला नहीं तो हम वन जोड़ देंगे यहाँ पे यहाँ देखो पाँच का दो गुना किया तो हमने कहा दस मिल गया दस में हम दो जोड़ देंगे हमारे पास बारह आ चुका होगा राइट यहाँ देखो क्या है तीन गुना होना चाहिए प्लस तीन जोड़ देना चाहिए यानी कि थर्टी नाइन होना चाहिए था क्यों बच्चों भारतीय छत्तीस प्लस तीन वैसे अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं चार गुना करके चार जोड़ दो बच्चों 40 का चार गुना कितना होता है 160 है ना 160 में चार कम कर दो 156 छप्पन प्लस चार जोड़ दो 160 यानी कि वेरीफाइड है है ना 39 होना चाहिए था 38 एट हमारा रॉन्ग नंबर हो गया तो ये रहे आपके बच्चों पांच सवाल तो जल्दी से मुझे सारे बच्चे बता दें कि आउट ऑफ फाइव में से कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए सारे के सारे बच्चे बता दें आउट ऑफ फाइव में से कितने क्वेश्चन बच्चों आप लोगों ने सही किए सारे बच्चे बहुत बढ़िया बहुत शानदार वेरी नाइस तो जल्दी से क्योंकि आज के जो पाँच के पाँच क्वेश्चन थे ये काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे पांच के पांच उन्हीं बच्चों ने किया होगा जो बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस में हैं और सेल्फ प्रैक्टिस में हैं खुद से मेहनत कर रहे हैं ना कि वो यूट्यूब यूट्यूब भटक रहे हैं मैं कड़े शब्दों में मैं आपको बता दूं कि अगर इन बचे हुए तीस से चौंतीस दिनों के अंदर अगर आप सच में सिलेक्शन पाना चाहते हो तो कंप्लीटली डेडिकेट कर दो फोकस्ड कर दो डिसिप्लिन हो जाओ कंसिस्टेंट हो जाओ समर्पित कर दो खुद को खुद की प्रैक्टिस में खुद की प्रैक्टिस में खुद के मॉक्स में मल्टीपल टाइम्स यूट्यूब पर आना आपके लिए घातक साबित होगा ये बात हो सकता है अभी आपको ना समझ में आ रही हो जब फिलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा जब एक या पॉइंट फाइव मार्क्स से आप पीछे रह जाओगे और आपके जीवन की इससे बड़ी वैकेंसी अब आपको देखने को नहीं मिलने वाली है 8,700 से अधिक अगर आपके वैकेंसीज एस क्लर्क में हैं यानी कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं एस क्लर्क के एग्जामिनेशन में अगर इतनी बड़ी वैकेंसी इतना मेगा अपॉर्चुनिटी अगर आपके सामने है तो उसे ढंग से ढंग से यूटिलाइज कर लो ढंग से मेहनत कर लो बेवकूफों की तरह दस बार यूट्यूब पे आके के किसको दिखावा कर रहे हो किसको दिखाने की कोशिश करो कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं हम बहुत है। जब तक आप खुद से मौक नहीं लगाओगे खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होना है सिलेक्शन एक बार मैं एक नहीं हजार बार हम कह चुके हैं कि आप एक बार डिसाइड कर लो आपको किस फैकल्टी से पढ़ना है फिर उसके जब सेशन हो रहे हैं एक बार एक घंटे का सेशन हो गया दो घंटे का सेशन हो गया सफिशियंट फिर आप अपने ऊपर काम करो खुद से मेहनत करो अगर आपने एक बार मेरा मैथमेटिक्स का सेशन देख लिया सफिशियंट है अब आप खुद से मौक दो खुद से प्रैक्टिस करो खुद से जितना हो सके हाथ को घिसो उससे होगा सिलेक्शन क्योंकि मैं देख रहा होता हूँ आप लोग के नाम तो मुझे याद ही रहते हैं ना बहुत लंबे समय से आप लोग पढ़ रहे हो अगर कोई टीचर पढ़ा रहा है अगर मैं उसके सेशन में घुस गया तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पर भी ये सारे बच्चे उसी नाम के साथ जुड़े हुए हैं पढ़ाई कर रहे हैं फिर मैं दोपहर में देख रहा हूँ पढ़ाई कर रहे हैं शाम को हम अगर किसी के सेशन में अगर हम ओपन कर दें यूट्यूब पर यही सारे बच्चे लगे पड़े हैं कोई अगर कोई छोटा सा ऐसे ही एक मोटिवेशनल वीडियो ले रहा है या फिर कुछ ऐसे ही स्ट्रैटी का सेशन हो रहा है उसमें भी लगे पड़े हैं यार क्या है ये क्या बचपना बना रखा है ये आप लोगों ने ऐसे होता है सिलेक्शन गुस्सा इस बात पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रही क्योंकि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोगों से इतनी सी भी चूक हो वरना मेरा यहां कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है सिलेक्शन आपका होगा मुझे कुछ नहीं मिलने वाला मैं चाह रहा हूं कि आप आप डिस्ट्रैक्ट ना हो आप गलत डायरेक्शन में ना चले जाओ कोई गलती ना हो जाए आपसे कि आप इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से आप बाहर चले जाओ बस और कोई और मेरा कोई यहां पर पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें चलिए ये तो आसान है क्वेश्चन कर लोगे है ना यहाँ देखो क्या है ये चौंसठ है क्यों बच्चों और ये क्या ये 36 है ये छत्तीस है यानी कि इनका अगर हम सम कर दें तो सौ होता ही है ये क्या है ये छत्तीस सौ है छत्तीस सौ को सौ से अगर हम डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा हमने सर छत्तीस आएगा और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर है स्क्वायर हटता तो हमेशा याद रखिएगा प्लस और माइनस के साथ आंसर आपको देखने को मिलेगा यानी कि प्लस माइनस सिक्स लेकिन हाँ हम प्लस सिक्स लिखेंगे क्योंकि हमें ऑप्शन में पॉजिटिव दिख रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ यहाँ आते हैं प्रतिशत से अगर हम देखें तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो चुका है ये हमारा बच्चा एट एक्स क्यूब यहाँ क्या है आठ का क्यूब मतलब होता है पाँच सौ बारह यहाँ क्या है एक हजार चौबीस लिखा हुआ है पाँच सौ बारह अगर आपने एक हजार चौबीस से माइनस किया तो पाँच सौ बारह ही बचता है और यहाँ क्या है एट एक्स क्यूब है एट से इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया तो एट एट का एट टाइम्स आ जाएगा क्यों बोलो ये क्या है आठ का क्यूब आठ गुड़े आठ गुड़े आठ एक आठ कैंसिल हो गया दो आठ बच गया यानी कि ये क्या हो गया ये 64 हो गया और यहां पर x का क्यूब है सो so, x वुड बी ये 4 का क्यूब होता है यानी कि 4 है ना x इज इक्वल टू फोर हर एक बच्चे का आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन वाह बहुत बढ़िया बहुत शानदार वेरी नाइस अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा, सारे बच्चे परफॉर्म करें, तेजी के साथ वेरी <coughs> नाइस nice, बहुत शानदार प्रतिशत है तो डबल जीरो गायब हो जाएगा बारह का छह गुना कितना होता है बेटा बहत्तर होता है सेवेंटी टू इधर देखो क्या है ये आगे प्रतिशत है डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया बत्तीस का छे गुना हमें करना छह दुनी बारह हो गया छेत्री का अठारह वन नाइनटी टू हो चुका है ईजी यानी कि एक्स इज टू क्या हो जाएगा हमें सेवेंटी टू घटा देना होगा बच्चों सेवेंटी टू हमें घटा देना होगा यानी कि वैल्यू क्या आएगी हमने सर वन ट्वेंटी है ना वन ट्वेंटी वो बी द राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हर एक बच्चे का आंसर आ गया बहुत बढ़िया बहुत शानदार अगला प्रश्न हो आपके स्क्रीन पर यह रहा तेजी के साथ परफॉर्म करें सारे बच्चे

कुछ बच्चा ही नहीं दैट मीनस एक्स इज इक्व टू वन हो गया ठीक है ये क्वेश्चन वही बच्चे सॉल्व कर पाएंगे जो इतने हिस्से को सॉल्व करना बहुत अच्छे से जानते होंगे देखने में क्वेश्चन बहुत आसान है मतलब देखने में क्वेश्चन टफ है लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता होगी कि ऐसे हम कैसे सॉल्व करते हैं तो चीज़ें बहुत आसान है हम लोग के लिए है ना अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा परफॉर्म करें सारे बच्चे तेज़ी के साथ बहुत बढ़िया बहुत शानदार जल्दी से <coughs> बढ़िया यहां देखिए क्या है ये फोर्टी परसेंटेज है बटो ये फोर्टी परसेंटेज है एक काम कर सकते हैं पता है क्या बच्चों एक काम हम लोग कर सकते हैं वो ये है कि प्रतिशत जो है अरे जो प्रतिशत है वो प्रतिशत को मार देगा ये जो जीरो है ये इस जीरो को खत्म कर देगा कर सकते हैं कोई इशू नहीं है ये जो फोर है वो इस सिक्सटीन को खत्म कर देगा चालीस के साथ देखो कितना आसान हो गया अब हमारे पास बचा एक्स प्लस नाइन्टी सिक्स और इधर क्या बचा है चालीस का तीन गुना यानी कि एक सौ बीस बचा है सो so, एक्स इज इक्वेज टू बीस चार चौबीस जवाब दो है ना ओरली हो गया कैसे किया नाइन्टी सिक्स माइनस करना है ना तो सौ माइनस करके चार दे दिया सौ माइनस करोगे बीस चार वापस कर देंगे तो चौबीस है ना ओरली हो गया मेंटली हो गया विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर हो गया क्यों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करे तेजी के साथ जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं एक बार लाइक्स और वॉचिंग को भी बराबर करते हैं और साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जल्दी से सारे बच्चे एक बार लाइक्स और वॉचिंग को भी इक्वल करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ओके okay, अमीशा का बर्थडे है सारे बच्चे एक बार हमीशा को विश कर दें बहुत प्यारी बच्ची रेगुलर जुड़ती है हमारे साथ ठीक है ईश्वर इनको तरक्की दे बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द जल इनका सिलेक्शन हो और फिर ये हमसे मिलने आए इनके साथ हम फोटो खिंचवा के अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड जरूर करें है ना जल्दी <laughs> से सारे बच्चे हमेशा को विश कर दें देखिए अब ये क्वेश्चन कैसे होगा यहाँ पर दो दो बार एक्स दिख रहा है और ये एस बी क्लर्क का बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है बहुत बार ये इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं जो कई बार एक्स यहाँ पर आ जाते हैं ना तो इसको थोड़ा सा लेकर के रहना घबरा मच जाना देख करके सर ये तो बड़ा टफ हो गया है ठीक है अगर हम ध्यान से करें तो हम एक्स को कॉमन कर सकते हैं हम प्रतिशत को भी कॉमन कर सकते हैं देखो परसेंटेज और एक्स दोनों के पास है बेटा परसेंटेज और एक्स दोनों के पास है तो हमने एक्स परसेंटेज को कॉमन ले लिया अब यहाँ पर क्या है हमारा चौबीस आ गया और इधर आ गया हमारा फोर्टी सिक्स बोलो फोर्टी सिक्स में चार जोड़ोगे फिफ्टी हो जाएगा फिफ्टी प्लस ट्वेंटी कितना जाएगा सेवेंटी यानी कहने का मतलब ये लिखा हुआ है आपका सेवेंटी परसेंटेज ऑफ एक्स और इधर क्या है हमने कहा सर वन फोर्टी है राइट तो प्रतिशत का मतलब हो गया कि बटे में सौ है तो सौ को हमने इधर भेज दिया सेवेंटी का टू टाइम्स हो गया ये x इज इक्वेस्ट टू हमारा x इज इक्वेस्ट टू हमारा 200 होगा 2 होगा ये है ना तो हमारा आंसर वोट बी 200 जवाब दो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है हर एक बच्चे का आंसर आ गया बहुत बढ़िया बहुत शानदार अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा चेकमेट और आरंभ आज से आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे और डेडिकेटेड रहेगा प्योरली एस क्लर्क को ठीक है जो आरंभ रहेगा और चेकमेट दोनों के दोनों आपको एस बी आई क्लर्क के लिए आपको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है और कहाँ मिलेगा मैथ्स भाई नवनीत सर आप किसी भी जगह पर सर्च करोगे मैथ्स भाई नवनीत सर के माध्यम से आपको वो चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी राइट सर्च करोगे हो सकता है दो तीन जगह पर आपको मेरा प्रोफाइल दिखे बट उसको ये मत सोचना कि किसी अलग अलग लोगों का है अगर मेरी फोटो लगी तो वो मेरा ही है ठीक है मैस भाई नवनीत सर बिल्कुल देखिए यहाँ क्या है यहाँ क्या है देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने में है ना कि आपको लगेगा सर कैसे होगा ये क्वेश्चन बट टफ नहीं है देखिए प्रतिशत जो होता है वो डबल जीरो का दुश्मन होता है कहानी खत्म हो चुकी है फोर्टी टू का हमें फोर टाइम्स करना है तो इसका मतलब क्या हो गया ये हो जाएगा वन सिक्स एड हो जाएगा कोई इशू नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं कोई डाउट नहीं है और देखते हैं क्या है बेटा तो और देखो क्या है और देखिए क्या है और देखिए क्या, क्या है और ये है कि एलेवन परसेंटेज ऑफ 150 है अगर हम ये सोच रहे हैं कि ज़ीरो इसको दे, दे दें और प्रतिशत को इधर भेज दें तो क्या कोई बेनिफिट मिलेगा मुझे नहीं मिलेगा है ना इससे अच्छा है कि इसको हम बेसिक अप्रोच का यूज़ करके ही सिम्प्लीफाई करें यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा लिखा हुआ है ग्यारह बटे सौ मल्टीप्लाइड बाई वन यानी कि ज़ीरो ने जीरो के साथ ख़त्म किया है इसको ये हमारा हो चुका है वन ठीक है वन और यहाँ पर लग जाएगा डेसमल फिफ्टीन का इलेवन टाइम्स करना तो आसान है है ना यानी कि क्या हो जाएगा वन सिक्सटी फाइव और नीचे दस था तो हमने एक प्लेस छोड़ के डेस्ट लगा दिया यहाँ क्या देखो? 303 है देखो तीन सौ तीन बटे में एक्स है ये आ गया और यहाँ क्या है यहां पर वन सिक्सटी एट है ओके ठीक है ठीक है ठीक है वन सिक्सटी एट में सोलह दशमलव पाँच आपको घटा देना सत्रह घटा के पॉइंट फाइव वापस कर देंगे है ना सत्रह घटा दो तो कितना आ जाएगा बच्चों हमने सर एक सौ इक्यावन आ जाएगा वन फिफ्टी वन और फिर वापस कर देंगे पॉइंट फाइव ऐसे ठीक है ठीक है और यहाँ क्या है 303 है 303 सौ तीन बटे एक्स है तो कहने का मतलब ये है ऐसे समझो 303 सौ तीन बटे एक्स है ना तो ऐसे समझते हैं इसको कि x को उधर भेज देंगे एक को हम नीचे भेज देंगे तो यानी कि 303 सौ तीन बटे एक को हमने यहाँ पर भेज दिया x को हमने इधर भेज दिया ठीक है ठीक है कोई इशू नहीं है एक का दोगुना कितना होता है बच्चों तीन सौ दो होता है पॉइंट फाइव का दो गुना वन होता है यानी कि ये आएगा यानी कि टू वुड बी द राइट आंसर एक्स इज रिक्वेस्ट टू टू जवाब दो अच्छा क्वेश्चन था है ना प्यारा सवाल था अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, Very nice. अब देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके मतलब इतने हिस्से को करने के हम आपको दो तरीके दिखा सकते हैं। सत्रह अठे छत्तीस होता है होता और पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ एट करोगे तो जस्ट हाफ हो जाएगा फोर आ जाएगा ठीक है ये आपको याद होना चाहिए मतलब ये आपको में आपने कई बार कर रखी है यहाँ क्या देखो ये टेन एक्स है और ये क्या है ये चार सौ है एक सौ चालीस घटाना हम लोग के लिए आसान है ना पहले सौ घटाओ तीन सौ हो गया चालीस घटाओ दो सौ साठ हो गया ये यह। और यहाँ क्या है टेन एक्स है तो एक्स टू क्या हो जाएगा बच्चों छब्बीस जवाब दो क्या सारे बच्चों का आंसर ट्वेंटी सिक्स आ रहा है क्या सारे बच्चों का आंसर ट्वेंटी सिक्स बहुत बढ़िया बहुत शानदार अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें थे जी के साथ ठीक है ठीक है डबल करके हाफ बच्चा कह रहा है डबल करके हाफ देखो हम आपको जो सिखाने वाले थे कि हाँ एक अप्रोच और होती है वो क्या है वो भी देख लो साथ में 175 बहुत पेट नंबर है एग्जामिनर का बहुत बार आपको मॉक्स में आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ठीक है तो 175 का फोर टाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना होगा ठीक है 175 का फोर टाइम्स कितना होता है 700 होता है अगर ये आपको याद रहा तो आप बहुत तेजी कैलकुलेशन परफॉर्म कर पाओगे जैसे यहां पर देखो वन सेवेंटी फाइव का एट टाइम्स था तो वन सेवेंटी फाइव का एट टाइम्स का मतलब हो गया चार का दो गुना तो वन सेवेंटी फाइव का फोर टाइम्स कितना हो गया हमने से सात सौ सात सौ का दो गुना कितना हो गया चौदह सौ मतलब अगर ऐसे सोच के देखो कि अगर आपको पहले से वैल्यू याद होती कि वन सेवेंटी फाइव का फोर टाइम्स सात सौ होता है तो आपके लिए और आसान हो गया होता तो है सात सौ लिख के सीधे उसका दो गुना कर देते क्योंकि यहाँ पर टू टाइम्स है चौदह सौ और एक प्लेस छोड़ के डस्मा तो एक प्लेस छोड़ के डस्मा लगाते मन में ही हो गया होता वन फोर्टी है ना कहने का मतलब कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम आपको लगातार बोल रहे होते हैं वो आपके मेमोरी में होने चाहिए वो सबकॉन्शियसली वो सेव्ड होने चाहिए वो तब आते हैं जब हम आपको बताते हैं या फिर आप खुद से बहुत बार प्रैक्टिस कर रहे होते हो ठीक है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ ठीक <coughs> है ठीक है यहां पर समझते हैं सबसे पहले तो क्या है ये ट्वेंटी फाइव परसेंटेज का मतलब होता है एक बटे चार चार से डिवाइड करोगे तो दो सौ चालीस आ जाएगा चौबीस होता है ना यहाँ देखो क्या फिफ्टी परसेंट बोला गया तीन सौ बीस का तीन सौ बीस का फिफ्टी परसेंट बच्चों यानी कि एक सौ साठ है ना डेढ़ सौ का दो गुना कितना हो गया तीन सौ हो गया दस का दो गुना बीस हो गया तो आपका एक सौ साठ आ गया प्लस अच्छा ओके प्लस है ये सेवेंटी फाइव परसेंटेज ऑफ चालीस बोला गया है सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब होता है तीन बटे चार ये तो से डिवाइड करो टेन आएगा टेन का थ्री टाइम्स थर्टी आ गया बस हमें इसे सिम्पलीफाई करना है जल्दी से सारे बच्चे यानी कि तीन सौ चार सौ चार सौ तीस हो चुका है बोलो फोर्थ ऑप्शन ईजी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करते तेजी के साथ बहुत बढ़िया बहुत शानदार यहां देखते क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है ये ये क्या है ये पांच लिखा हुआ है राइट ये क्या है ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू का ट्वेंटी टाइम्स करना है देखो अगर इस जीरो को हटा ले तो ये डेसिमल खत्म हो जाएगा टेन अगर मल्टीप्लाई कर गया तो ये खत्म टू नाइनटी टू का हमें दो गुना करना है आसान नहीं है बहुत आसान है ट्वेंटी नाइन का डबल कितना होता है हमने सर फिफ्टी एट होता है और दो का दो गुना चार होता है कितना आसान था देखो <laughs> है ना ओरली हो गया कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ कोई डाउट नहीं हुआ ठीक है फाइव सेवेंटी सिक्स अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो बच्चों कितना आएगा उधर से चार इधर से चार यानी कि आठ आएगा ठीक है और यहाँ क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे यानी कि सिक्सटी फोर जवाब दो 64 the right answer, second option. तो एक बार मुझे मुझे जल्दी जल्दी से सारे सारे जल्दी से सारे 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 के के बच्चे बच्चे कितना आपने स्कोर किया वो बता दें ठीक है सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि यहां से स्पीड मैथ से आपको सिंप्लीफिकेशन हो गया नंबर सीरीज हो गया इनइक्वालिटी हो गया यहां से आपको लगभग लगभग पंद्रह क्वेश्चन सीधे मिलेंगे पंद्रह क्वेश्चन आपको सीधे मिलेंगे इन सबको मिलाकर के ठीक है तो ये पोर्शन तो बहुत ही स्ट्रॉ होना चाहिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होना है यहाँ पर तो आपको गलत करने की कोई गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पर मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करिए वो भी बहुत कम समय में बहुत कम समय में बच्चे सोचते हैं कि सर ये आप क्यों कराते हो यहाँ से आपको मालूम चलता है कि आपकी स्पीड आपकी एक्यूरेसी आप कितने कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पा रहे हो सोच के देखो पैंतीस नंबर के सवालों में पंद्रह क्वेश्चन सीधे आपने कर दिए प्रीलिम्स की अगर हम बात करें है ना तो बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ठीक है अब हम शुरुआत करने वाले हैं कॉडिडी की कॉडिडी के एक दो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद हम लोग सीधे चलेंगे कहाँ पर बचो र्थमेटिक की तरफ फिर डीआई की तरफ डीआई भी बहुत अच्छी रखी गई है और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी बहुत शानदार रखे गए हैं ठीक है एक या दो क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग बस और इसके के आसान है देखे। से देखें ने मल्टीप्लाई किया टू आएगा के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर क्योंकि यहां पर प्लस है ना ये डिसाइड करता है सम करने पर क्या आ जाए थ्री आ जाए हम कहेंगे सर टू एंड वन माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस हो गया ये आ गई एक्स की वैल्यू इधर देखो क्या है सिक्स के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर फाइव आ जाए हम कहेंगे सर थ्री एंड टू माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस हो गया कंपेयर करेंगे तो टू ने अगर कंपेयर किया तो टू छोटा रहा टू इक्वल रहा वन दोनों से छोटा रहा ठीक है यानी कि एक्स लेस और इक्वल टू वाई चल रहा है फोर्थ ऑप्शन इजी अगला प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करे थे जी के साथ एक्स स्क्वायर प्लस एट एक एक्स प्लस ट्वेल्व इज इक्व टू जीरो है वाई स्क्वायर प्लस सिक्स वाई प्लस नाइन इज इक्वस टू जीरो है आसान है आसान है बच्चों अच्छा हाँ एक चीज़ हम आपको और बता दें कि अब वायरल मैथ्स में आपका जो ब्रह्मास्त्र का पोर्शन है वो ओवर हो चुका है यानी कि ब्रह्मास्त्र क्या था कैलकुलेशन यानी कि स्पीड मैथ्स का पोर्शन सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन कैलकुलशन सारा एक महीने का लगभग बैच था ये ब्रह्मास का वायरल मैथ्स के जो अंडर में था है ना ब्रह्मास का पूरा का पूरा स्पीड मैथ्स का पोर्शन वो कल uh, के दिनों में ओवर हो चुका है एक सेशन बचा हुआ लीनियर का वो ओवर है अब इसके बाद शुरुआत हो रही है सुदर्शन की मालूम है बच्चों को अब शुरुआत हो रही है सुदर्शन यानी कि अर्थमेटिक की और अगेन वायरल मैथ्स में एडमिशन को ओपन कर दिया गया है ठीक है सुदर्शन मतलब रे, रेशन प्रपोर्शन से अब आपके अर्थमेटिक के सेशन यहाँ पर शुरुआत होंगी है ना अर्थमेटिक के सेशन यहाँ पर पढ़े जाएंगे देखे जाएंगे सीखे जाएंगे ठीक है और ये अब ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा तो जो बच्चे सुदर्शन में एडमिशन लेंगे मतलब सुदर्शन से एडमिशन लेंगे लेंगे तो वायरल वैस में ही जो बच्चे सुदर्शन में सुदर्शन से एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों की उन बच्चों को की क्लासेस नहीं मिलेंगी वो कब मिलेंगी जब ये बैच पूरा ओवर होगा तो जब वापस से हम ब्रह्मास्त्र पर आएंगे तो आपको ब्रह्मास्त्र की कैलकुलेशन की क्लासेस मिल रही होंगी ठीक है मतलब अगर आप आज एडमिशन लेते हो तो आपको सुदर्शन से क्लासेस मिलना शुरू होंगी अर्थमेटिक्स की और ऐसा मत सोचना कि मुझे कुछ नहीं समझ में आएगा वो मेरी जिम्मेदारी है ठीक है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको हर एक चीज को ऐसे ही समझाएंगे कि आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ आए तो अभी भी एडमिशन ओपन कर दिया गया है वायरल मैथ्स में तो सारे बच्चे वायरल मैथ्स में एनरोल कर सकते हैं और कल की जो क्लास है उसका फीडबैक ले सकते हैं क्वारिडिक की क्लास हुई थी क्वालिटी जो कि आप लोग लगता है बहुत आसान सा टॉपिक है लेकिन जो डेप्थ जो क्वालिटी चार सेशंस क्वालिटिक के हुए हैं चार सेशंस न भूतों न भविष्य कहीं नहीं हुए होंगे आज तक और ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ मजाक किया है क्वालिटिक में पढ़ा करके बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे एक बार उनके नोट्स को मांग करके देखना अगर वो दे दें तो <laughs> ठीक है आप उनसे पूछना कि किस प्रकार के आपको क्वारिटिक के क्वेश्चन कराए गए थे बच्चों का पेन नहीं उठ रहा था फिलहाल यहां पर आते हैं प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस हो गया वन एंड ट्वेल्ल से मल्टीप्लाई किया ट्वेल्व आ गया है ना ट्वेल्व के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर एट आए हम कहेंगे सर सिक्स टू जै ट्वेल्ल हो गया इधर आ जाओ प्लस और प्लस है तो माइनस और माइनस आ गया नाइन के दो ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर सिक्स आ जाए हम बोलेंगे सर थ्री एंड थ्री है ना कंपेयर करते हैं माइनस सिक्स जो है माइनस थ्री से छोटा है 6 जो है 3 से छोटा है माइनस टू जो है ग्रेटर हो गया यानी कि सी डी है ना एक सिस्टम में दो साइन नहीं हो सकते हैं डिस्काउंट पाने के लिए कोड आपको मालूम ही है वाई थ्री नाइन टू और मेरे ख्याल से शायद बैंक महापैक पर वो भी चल रहा है डबल वैलिटी तो बेस्ट रहेगा कि बैंक महापैक में एनरोल करो है ना क्योंकि बैं, बैंक महापैक में ना केवल ये बैच बल्कि और भी सारे बैचेस आपको देखने को मिल जाते हैं सर अर्थमेटिक का कब ओवर होगा अर्थमेटिक सुदर्शन की बात करो सुदर्शन मालूम क्या है सुदर्शन में सिर्फ रेशियो के टॉपिक जो हैं वो डिस्कस होंगे वो भी लगभग कहीं ना कहीं मान के चलो आप पंद्रह से बीस पच्चीस दिन का समय लेंगे हम इतना डेप्थ होगा पूरा रेशियो मिक्सर एंड एलिगेशन टाइम एंड वर्क स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस ठीक है एजेस एवरेज जो रेशियो से बनते हैं चैप्टर्स वो है सुदर्शन ठीक है तो सिर्फ और सिर्फ रेशियो वाले टॉपिक्स को हम लोग प्री से मेंस तक डिस्कस करेंगे कि आपको एक बार में इतनी चीज़ें दे दी जाएंगी कि फिर किसी और फाउंडेशन बैच की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ देखते हैं सो so, uh, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है ठीक है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क और ये भी इजी है कर लोगे ये होमवर्क हम डायरेक्टली चलना चाहते हैं अर्थमेटिक पर ठीक है ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क तीन क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं अगला प्रश्न आपके अर्थमेटिक का ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ टाइमिंग हमारे फोर पी टू फाइव थर्टी होगी फोर पी टू फाइव थर्टी होगी आरबीआई हाँ, असिस्टेंट का मेन्स बैच आ चुका है विनर्स के नाम पर ठीक है आप उसमें भी आके एनरोल कर सकते हो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुप चार सौ एंड द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फाइव इज टू एट आ शॉकर अंडर प्रॉफिट ऑफ एट्टी बाई सेलिंग द आर्टिकल फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज गिवन ऑन द आर्टिकल आसान है बच्चों कर लोगे है ना देखो सी की वैल्यू आपको गिवन कर दी गई है कितनी है चार है जो कि फाइव रेशियो के बराबर है राइट तो वन यूनिट की वैल्यू क्या होगी हमने सर फाइव एट जो फोर्टी यानी कि अस्सी होगी अगर हम एम चाहें तो क्या निकाल पाएंगे बिल्कुल निकाल पाएंगे दैट इज रेशियो रेशियो है ना वैल्यू अगर वन रेश वैल्यू अस्सी रुपए है तो एट की वैल्यू क्या होगी एट का अस्सी गुना कर देंगे यानी कि छह सौ चालीस हमारे पास एम आर पी हो चुकी है क्वेश्चन में बताया गया कि बेचने पर अस्सी रुपए का लाभ हुआ यानी कि सेलिंग प्राइस अस्सी रुपए बढ़ा के होगी है ना चार सौ रुपए में आपने किसी वस्तु को बेटा खरीदा है अस्सी रुपए का प्रॉफिट हो रहा है मतलब आपने चार सौ से अस्सी रुपए बढ़ा के बेचा होगा यानी कि चार सौ अस्सी रुपए में बेचा होगा तभी तो अस्सी रुपये प्रॉफिट होगा चार सौ में खरीदा चार सौ अस्सी में बेचा तभी तो अस्सी रुपये का प्रॉफिट होगा हाँ जी बिल्कुल बात सही है हमारे पास सेलिंग प्राइस आ चुकी है अब प्रश्न है कि डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है डिस्काउंट हमेशा एम आर पी पे दिया जाता है तो यानी कि छः सौ चालीस रुपये अगर आपकी एम आर पी है तो आपने कितना कम करके बेचा है मैंने कहा सर पाँच सौ से चेक करें तो एक सौ चालीस होता है और बीस और जोड़ देंगे यानी कि एक सौ साठ हमने एक सौ साठ रुपये का डिस्काउंट दे दिया है ना बच्चों और डिस्काउंट प्रतिशत क्या होता है डिस्काउंट प्रतिशत मतलब एक सौ साठ रुपये का डिस्काउंट दिया गया किस पर हमेशा याद रखिएगा एम आर पी पर डिस्काउंट दिया जाता है बटे छह सौ चालीस हो गया गुला सॉक्स से कर देंगे हम यानी कि सोलह सौ गौ चौसठ हो गया यानी कि ट्वेंटी फाइव परसेंट का हमने डिस्काउंट ऑफर किया है जवाब दें सारे बच्चे हर एक बच्चे का आंसर आ गया अच्छा क्वेश्चन रहिए है ना अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर यही रह, ये रहा परफॉर्म करें और ऐसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा बहुत टफ नहीं होता बहुत टफ नहीं होगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट है ना प्रीलिम्स में आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन को भी क्रैक करें एस बी आई क्लर्क मेन्स के लिए अभी कौन सी क्लास है अभी नहीं शुरू है अभी मेन्स की क्लास शुरू होगी और वैसे भी हम आ, सेशन के दौरान अभी हम अपना एक डे डिसाइड किए हैं सैटरडे को हम लेके रखेंगे मतलब हर दिन हर हफ्ते हम एक क्लास अपनी इसी दस बजे के स्लॉट में हम आपको मेन्स का सेशन एक देंगे जरूर एस क्लर्क का ए एंड बन्वेस्टेड रूप बी चौबीस सौ एंड आठ सौ फॉर एक्स एंड एक्स माइनस फोर मंथ्स इफ प्रॉफिट शेयर ऑफ बीज अड़तालीस सौ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट इज अट्ठाईस हज़ार आठ सौ देन फाइंड फॉर हाउ मेनी मंथ्स बी इन्वेस्टेड ठीक है

टोटल प्रॉफिट है जिसमें कि अड़तालीस सौ रुपए कर देंगे और चौबीस सौ है ना बिल्कुल चौबीस हजार चौबीस हजार में चार हजार जोड़ोगे तो अठाईस हजार अट्ठाईस हजार आठ सौ सही बात है अगर हम रेशियो निकालना चाहें तो क्या निकाल पाएंगे डबल जीरो ने डबल जीरो कर दिया पहले से रेशियो निकालो थोड़ा सा है ना और और यहाँ क्या है तो यहाँ क्या है सोलह तरीक अड़तालीस हो गया और सोलह का एक गुना हो गया सोलह पंचे अस्सी हो गया यानी कि वन एस टू फाइव अच्छा चौबीस का तो दो गुना था वैसे भी हो रहा था ये वन एस टू फाइव ठीक है यानी कि प्रॉफिट ऑफ ए कितना है प्रॉफिट ऑफ बी कितना है बी का प्रॉफिट कितना है बेटा ये बी का प्रॉफिट शेयर था है ना अड़तालीस सौ रुपये हाँ यानी कि बी का प्रॉफिट शेयर का रेशियो वन है और ए का कितना है पाँच है क्योंकि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है ये भी प्रॉफिट शेयरिंग का ही है और ये भी जो रेशियो है ये भी प्रॉफिट शेयरिंग का ही है तो हमने इन्हीं की रेशियो से इसको डिवाइड कर दिया और लगा दिया बराबर आपस में है ना इक्वल कर दिया यहाँ देखो क्या है आठ ने इसको कैंसिल आउट किया तीन आ चुका है अब फाइव को हमने उधर भेज दिया यानी कि थ्री एक्स इज़ इक्व टू फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी हो चुका है यानी कि टू एक्स इज़ इक्व टू ट्वेंटी हो चुका है सो एक्स इज इक्व टू टेन हो चुका है हमसे पूछा क्या गया कि बी ने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है अगर आपके पास एक्स की वैल्यू टेन आ चुकी है तो टेन माइनस फोर करना पड़ेगा यानी कि छः महीनों के लिए इन्वेस्ट किया है है ना हमें बी की वैल्यू निकालनी थी ना तो बी का तो एक्स माइनस फोर है ना हाँ देखो आपका पहला आंसर जो आया है वो टेन आया है तो सब क्योंकि हम बहुत पैनिक होते हैं एग्जाम में बहुत तेजी साथ भाग रहे होते हैं तो होता क्या है कि हम जल्दबाजी में हमें ऑप्शन दिखता है टेन हम उसी को टिक कर देते हैं बट ऐसा नहीं करना है ठीक है एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि पूछा क्या गया था तो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी द राइट वन अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करते जी के साथ बहुत बढ़िया बहुत शानदार अब मैन इन्वेस्टेड रुपीज़ टेन थाउजेंड एट द रेट ऑफ सिक्सटीन परसेंट पर अन एमाउंट सिम्पल इंटरेस्ट फॉर एक्स ईयर इ मैन रिसवड चार हज़ार एज इंटरेस्ट दिए तो बहुत आसान सवाल है ना ये तो औरली कर लेंगे बच्चे मेरे टेन थाउजेंड पर सिक्सटीन परसेंट ब्याज है फॉर एक्स ईयर ठीक है यानी कि टेन थाउजेंड हमने लिखा रेट कितना है बेटा सिक्सटीन परसेंट एज है और टाइमिंग कितनी है एक्स ईयर से बटे में क्या है बटे में सौ है और इज इक्व में क्या है फोर थाउजेंड हमारा ब्याज आ हम रहा है हमसे क्या पूछ रहे हैं एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है ठीक है एक्स की संख्या बताओ यानी कि सोलह सौ हो गया अच्छा डबल जीरो तो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो रहा है यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर अपॉन सिक्सटीन यानी कि वन अपॉन फोर वन अपॉन फोर ईयर ऐसा है क्या कुछ गड़बड़ हुआ है क्या मेरे से फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स डी ढाई कुछ एक सेकेंड मेरे से कुछ मिस्टेक हो रही है क्या ज़्यादा ज़्यादा जीरो कट गए क्या टेन थाउजें एट द रेट ऑफ ऑन सिंपल फॉर एक्स ईयर्स इफ़ द मैन रिसीव्ड फोर थाउजेंड एंड द वैल्यू ऑफ एक्स ठीक है पी ए इंटू आर इन टू टी हंड्रेड ये कैंसिल आउट हो गया अच्छा चार हज़ार है ओके 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 एक जीरो बच रहा है हाँ तब तो ठीक ही है ठीक है ठीक है ठीक है, है फोर्थ ऑप्शन है ना अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें तेजी के साथ ये किया जाए द पेरीटर ऑफ द सर्कल इज द थ्री फिफ्टी टू सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ट्वेंट फाइव परसेंटेज लेस द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल एंड द टू टाइम्स ऑफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड द फाइन ऑफ द रेक्टेंगल इजी है ध्यान देखें सर्कल का पैरिमीटर समझते हो क्या होता है मतलब उसकी सरकमफ्रेंस यानी कि टू इन टू पाई इन टू आर है ना ये टू पाई आर सर्कम्फ्रेंस मतलब मतलब सरकम सर्कल का परिधि है ना दैट इज इक्व टू थ्री फिफ्टी टू ऐसे राइट यानी कि ध्यान से देखो तो आखिरी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है इसका मतलब हमें बत्तीस को दो से भाग कर देना और कुछ नहीं करना बत्तीस को दो से भाग करोगे तो सोलह आएगा दो से इसको हम खत्म कर दें तो टू एट या सिक्सटीन आ गया है वायरल मैथ्स में ये सब कर चुके हो आठ सत्य छप्पन आ चुका है यानी कि हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू फिफ्टी सिक्स है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंटेज लेस दैन द रेक्टेंगल लेस दैन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल ओके 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 ठीक है यानी कि अगर हम ध्यान से रेडियस और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का हम रेशियो निकाल लें 12.5 परसेंटेज लेस बोला गया है 12.5 मतलब होता है एक बटे आठ यानी कि अगर ये आठ है तो एक कम है उससे है ना 12.5 का मतलब क्या होता है बेटा 12.5 परसेंटेज का मतलब होता है वन अपॉन एट लेस बोला है ना यानी कि माइनस तो सर्कल का रेडियस जो है किसके साथ कंपेयर किया गया है लेंथ के साथ तो जिसके साथ कंपेयर होता है उसको नीचे वाली वैल्यू देते हैं हम लोग हमने एट कह दिया उससे एक कम है रेडियस यानी कि सेवन रेशियो में है

फिफ्टी सिक्स जो है वो इनके ब्रेथ का दोगुना यानी कि ब्रेथ रही होगी 28. तभी तो है ना ऐसे तभी तो इसका दोनों ठीक है निकालने के लिए टू इंटू एल प्लस बी करना है सिंपल सी बात है 2 into L plus B, कि टू इंटू सिक्सटी फोर प्लस अट्ठाइस बस यही तो है पेरीमीटर आ जाएगा हमारा ठीक है यानी कि सिक्सटी फोर में अगर हम तीस जोड़ दें तो नाइन्टी फोर होता है नाइनटी टू नाइनटी टू का हमें टू टाइम्स कर देना है यानी कि वन एट्टी फोर फोर्थ ऑप्शन ईजी अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म कर तेजी के साथ और हां एक चीज और साथ ही साथ बता दें लगे हाथ <laughs> कि वायरल मैच फाउंडेशन बैच जो कि मैंने सुबह भी अपने बच्चों को इन्फॉर्म किया था वायरल मैच में वायरल मैथ्स को आ, बैच ऑफ द बैचेस कहा गया है एक तरह से ये मान के चलो है ना बैच ऑफ द फाउंडेशन बैचेस रैंक वन बैच आ, जितनी तारीफ करो उतना कम अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की टीम ने अंडर ट्वेंटी फोर सेवन की मैनेजमेंट ने इसे रैंक वन बैच कहा है और क्यों कहा है उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि उसका जो लेसन प्लान है जितना डेप्थ में जितना डिटेल में हर एक टॉपिक को एक छोटे से टॉपिक को भी तीन से चार दिन का समय दिया गया जिससे कि उसकी डेफ्थ खंगाली जाए क्योंकि होता क्या है बच्चे ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं प्रेम्स क्वालिफाई हो जाता है बट मींस नहीं होता तो कहीं से भी कोई छोटी सी भी गुंजाइश ना रह जाए और साथ में मेंटोरशिप प्रोग्राम जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उनके साथ आपका आ, 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 आपका कनेक्शन है ना मतलब उनके साथ आपकी कॉन्वर्सेशन साथ में ऐसी तमाम चीज़ें और हर एक अब तो और इंक्लूड कर दिया गया हर एक टॉपिक के बाद आपका एक टॉपिक टेस्ट भी दिया जाएगा साथ में ठीक है डाउट सेशंस भी हम आपका ले रहे होंगे मतलब इतना जो कंबाइंड कंप्लीट एक पैकेज है और बच्चों का फीडबैक है ना नो no डाउट जो आपने फीडबैक दिया तो उन सारी चीज़ों को मिला करके जो हमारे वायरल मैस फाउंडेशन बैच है उसको बैच ऑफ द ईयर बैच ऑफ द बैचेस तमाम जो भी आप कह लो उसका खिताब है है ना और आगे आने वाले समय में बाकी लोग भी अब सेम इसी तर्ज पर इसी तरह के लेसन प्लान पर आपको अपने बैच को लाते हुए दिखेंगे क्योंकि ऊपर से फरमान है <laughs> एक तो आपने ही लिया मेरे जस्ट बात जो आए है ना तो ऐसे ही है अब ठीक है ऐसे ही आपको बाकी लोगों के भी देखने को मिलेंगे तो वायरल मैच तो जहां एंट्री करता है कुछ ऐसा ही होता है नहीं चलिए ओके <laughs> okay, तो पीज ट्वेल्वर्सर ईयर्स एगो क्यूज थ्री टाइम्स ऑफ द एज ऑफ आर देखो क्यू अच्छा से बारह साल छोटा है एंड थ्री टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आर इफ द प्रेजेंट एज ऑफ आर खतरनाक प्रश्न है यह भूल भलैया है और के अगर हम वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में अगर हम देखें तो इनकी एज अगर वन है तो इनकी एज क्या हो जाएगी दो गुना क्योंकि बोला गया है प्रेजेंट की बात करें अगर हम ना ना है यानी रेशियो में अगर ये वन है तो ये टू हो गए क्यू वॉज थ्री टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आर तीन वर्ष पहले तीन वर्ष पहले क्यू वॉज थ्री टाइम्स ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ आर क्यू की अगर हम बात करें तो तीन वर्ष पहले बेटा तीन वर्ष पहले Q, व, आर की जो वर्तमान उम्र है उसका तीन गुना है यानी कि थ्री रेशियो कब तीन वर्ष पहले तो वर्तमान में तो वर्तमान में थ्री रेशियो में हमें तीन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि तीन साल पहले इनकी थ्री रेशियो में एज थी इनकी वन रेशियो में इनकी टू रेशियो में तो वर्तमान में हमने तीन और जोड़ दिया इसमें है ना वर्तमान में ये हो जाएंगे ठीक है ठीक है ठीक है पी ट्वेल्व ईयर्स यंगर देन क्यू पी जो है क्यू से बारह वर्ष छोटा है रेशियो में अगर हम बात करें तो पी जो है क्यू से बारह वर्ष छोटा है यानी कि थ्री रेशियो प्लस थ्री क्यू की उम्र है पी की उम्र है टू रेशियो यानी कि दोनों के बीच का जो गैप है वो बारह वर्ष का है ठीक है यहां पर हमने लिख दिया बारह कि वन रेशियो और थ्री को अगर हम उधर भेजें तो नौ आ गया यानी कि वन रेशियो नाइन के बराबर फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू पुट कर देंगे यहां पर अगर वन रेशियो नाइन है तो थ्री रेशियो की वैल्यू नौ त्री सत्ताईस हो गया प्लस थ्री कर देंगे हम यानी कि थर्टी है ना सेकेंड ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन था राइट बहुत ही प्यारा सवाल था अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे ठीक है मेंस पढ़ाएंगे बिल्कुल मेंस पढ़ाएंगे सैटरडे को रखा गया है मेंस का सेशन निश्चिंत रहिए द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर इन अ थ्री टू फोर ठीक है इफ ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर अच्छा यानी कि ये है थ्री रेशियो ये है फोर रेशियो मिल्क एंड वाटर इसमें फोर्टी टू और एड कर दिया गया वाटर देन द रेशियो ऑफ अल्कोहल टू वाटर बिकम्स टू इज टू फाइव ठीक है तो यानी कि इनका टू हो जाएगा इनका फाइव हो जाएगा रेशियो और बीच में लगा देंगे हम इक्वल्स टू है ना इनका रेशियो फाइव हो गया इनका टू हो गया सिंपल सी बात है फाइव को हम क्रॉस कर दो यानी कि फाइव थ्री फिफ्टीन हो गया और टू से उसको मल्टीप्लाई कर दें एट हो गया एट रेशियो हो गया और ये आपका एट्टी फोर हो गया यानी कि या आपका सेवन रेशियो इज इक्वेस्ट टू एट्टी फोर हो गया वन रेशियो इज़ इक्वेस्ट टू बारह हो गया प्रश्न क्या है फाइंड द इनिशियल क्वान्टिटी ऑफ वाटर इनिशियल मतलब हमारा फोर रेशियो की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है यानी कि अगर हमसे वन रेशियो बारह है तो फोर रेशियो चार का बारह गुना यानी कि अड़तालीस हो गया ठीक है अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे परफॉर्म करें देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज 20% परसेंट मोर देन दैट ऑफ बी विच इज 20% परसेंट स्लोवर देन ट्रेन सी वाओ बहुत बढ़िया ए बी सी तीन ट्रेनें हैं जिनकी स्पीड का यहां पर रेशियो गिवन किया गया देखो 20% परसेंट अधिक है बी से और सी से बी जो है वो बीस परसेंट कम है तो यानी कि अगर हम सी की बात करें तो सी अगर सौ है तो ये कितना होगा अस्सी होगा क्वेश्चन ने कहा है ना बीस परसेंट कम है सी से सी से बीस परसेंट कम है और ए कितना है बीस परसेंट अधिक है बीस है तो अस्सी का बीस परसेंट कितना होता है बेटा हमने सर सोलह होता है तो सोलह अधिक कर देंगे हम यानी कि नाइनटी सिक्स आ गया तो हमारे पास तीनों की स्पीड का रेशियो आ चुका है अब क्या है प्रश्न क्या है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन है इज वॉट परसेंटेज लेस देन द स्पीड ऑफ ट्रेन सी यानी कि ए की जो स्पीड है वो सी से कितने प्रतिशत कम है चार परसेंट कम है सिंपल है ना फोर परसेंट औरलली हो गया होगा ये तो बच्चों का बहुत बढ़िया वेरी नाइस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अब ये हम होमवर्क दे रहे हैं आपको ठीक है ये क्वेश्चन कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं अर्थमेटिक के भी एक ये एक ये कर लोगे कोई तकलीफ की बात नहीं है ईजी है ठीक है एक ये और एक ये तीन क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं क्योंकि अब हमें चलना है अपने अर्थ डी पर जल्दी से सारे बच्चे इस डी आई के भी क्वेश्चन को क्रैक करें प्रश्न है द डेटा द टेबल चार्ट गिवेन बिलो शोज द नंबर ऑफ पीपल वॉच ब्रह्मास्त्र एंड के जी एफ ऑन वीकेंड्स फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ये आपके एग्जामिनेशन में 2022 के पूछी गई डी आई है मतलब इसी पैटर्न पर बहुत आसान सी बहुत नॉर्मल सी डी आई तो पाँच नंबर तो आपके यूँ आपको मिलने हैं चुराने हैं समझ लो वहाँ पर ठीक है तो ये मैं सोचना सर ये तो आपने बहुत ईजी करा दी है दो हज़ार बाईस का पैटर्न है ये दो हज़ार बाईस में एस बी आई क्लर के दो हज़ार बाईस के एग्जामिनेशन में ये डी आई पूछी गई है इस तरह की ठीक है तो इसी पर आपको काम करना है नंबर ऑफ पीपल वॉच ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र देखने वाले कितने लोग हैं 600 हैं 750 सौ पचास है आठ अलग अलग डेज में के जी एफ देखने वाले बच्चे हैं लोग हैं 700 है 500 है और 600 सौ हैं अलग अलग नंबर ऑफ डेज में ठीक है uh, अगला यानी कि पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर फाइंड द सम ऑफ नंबर ऑफ पीपल वॉच ब्रह्मास्त्र ऑन संडे के जी एफ ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर ठीक है ब्रह्मास्त्र ऑन संडे ब्रह्मास्त्र ऑन संडे आठ सौ एंड के जी एफ ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे

के जी एफ फ्राइडे फ्राइडे में के जी एफ का डेटा क्या है सात सौ उसका पचास परसेंटेज यानी कि तीन सौ पचास ये गया ठीक है आगे बढ़ते हैं फाइंड द नंबर ऑफ पीपल वॉच ब्रह्मास्त्र ऑन वेंसडे इज वॉट परसेंटेज ऑफ टोटल परसेंट टोटल नंबर ऑफ पीपल वॉच ब्रह्मास ऑन के जी एफ ऑन संडे संडे के दिन दोनों का सम निकाल लो आठ से चौदह सौ यानी कि जो हमारा तीन सौ पचास है ये चौदह सौ का कितना प्रतिशत है बस यही तो निकालना था 350 का दोगुना होता है 700 700 का दोगुना होता है 1400 यानी कि चार आ गया यानी 25% बोलो बच्चों फोर्थ ऑप्शन कमाल है बहुत शानदार अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा सारे बच्चे फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल वाच बोथ द मूवीज ऑन फ्राइडे टू नंबर ऑफ पीपल वाच केजीएफ ऑन सैटरडे अच्छा फ्राइडे को दोनों की डाटा चाहिए यानी कि 1300 टू नंबर ऑफ पीपल वाच केजीएफ ऑन सैटरडे 1300 और पाँच सौ यानी कि थर्टीन फाइव और क्या है ना सेकंड ऑप्शन ओरली हो गया होगा बच्चों का बहुत बढ़िया वेरी नाइस अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहा फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पीपल वॉच के जी एफ एन ऑल थ्री डेज के जी एफ तीनों का हमें एवरेज निकालना है सात पाँच बारह सौ अट्ठारह सौ अठारह सौ बड़े तीन यानी कि छः सौ है ना क्यों बच्चों सबका सम करके हमें एवरेज निकालना सबका सम करके तीन से भाग कर दो सात पाँच बारह सौ बारह सौ छह सौ अट्ठारह सौ अठारह सौ बड़े तीन यानी कि छह सौ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल वॉच ब्रह्मास्त्र ऑन संडे एंड नंबर ऑफ पीपल वॉच के जी एफ ऑन फ्राइडे फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ पीपल वॉच ब्रह्मास्त्र ऑन संडे ब्रह्मास्त्र ऑन संडे आठ सौ की बात हो रही ना एंड नंबर ऑफ पीपल वॉच के जी एफ ऑन फ्राइडे सात सौ इनके बीच का डिफरेंस निकालना था सौ ठीक है फिफ्थ ऑप्शन ठीक है ना यही तो है हाँ यही तो है ठीक है ठीक है सर आपकी मदर कैसी हैं मदर का ऑपरेशन थर्टीएथ को हुआ ठीक है और बहुत ही अच्छा हुआ आप लोग की प्रेयर्स आप लोग की दुआओं ने वर्क किया बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ सर्जरी बहुत अच्छी हुई और लगभग लगभग आ, दस से बारह घंटे की सर्जरी चली है सुबह सेवन थर्टी की गई हुई ओटी में और वापस आई हैं फाइव थर्टी की तो मेजर सर्जरी थी और रिस्क तो होता ही है बट हाँ आप लोग की प्रेयर्स आप लोग की मोहब्बत आप लोग के जो दुआएं रहीं उससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया बाद में आ, उनको वीक बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा सा ऑक्सीजन और बीपी में उनको थोड़ा सा इशू आया बट हाँ वो भी एक दो दिन बाद मतलब आईसीयू में तो अभी भी हैं बट हाँ एक दो दिन के अंदर वो बीपी तो कंट्रोल हो गया बट अभी ऑक्सीजन को लेकर के थोड़ा सा इशू है है ना क्योंकि जो फूड पाइप में उनको था फूड पाइप को हटा दिया गया फूड पाइप पूरी की पूरी हटा दी गई और स्टमक के मेम्ब्रेन को बना दिया गया फूड पाइप तो जो भी चीज़ें हो रही थी वो लंग्स के बहुत करीब हैं लंग्स और हार्ट है ना तो थोड़ा सा उसका इफेक्ट लंग्स के ऊपर गया है जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन लेने में थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है तो अभी डॉक्टर ने कहा है कि वो हम फिजियोथेरेपी कराएंगे और है ना बाद बैक टू बैक हम दवाओं को चेंज करेंगे तो उससे लंग्स भी हमारा एक्टिव हो जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है अभी तक ऐसा ठीक है टच वुड ऐसा ही रहे तो आ, अच्छा ही है सारा कुछ है ना थोड़ा सा कष्ट है अभी और उनको भी थोड़ा सा झेलना है यही है हाँ लेकिन है सब, आ, सर्जरी जो है वो बहुत अच्छी हुई है और डॉक्टर भी काफ़ी हैप्पी थे काफ़ी खुश थे कि काफ़ी अच्छा रहा ऑपरेशन पूरा का पूरा और कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा जो इमोशनल कर देती हैं कि बहुत वीक है बहुत ज़्यादा वीक है पहले से भी आपने हो तो सकता है फ़ोटोज़ में देखा होगा है ना आपने आ, मेरे इंस्टाग्राम पर तो है तो पहले से बहुत ज़्यादा वीक और जब ऑपरेशन हुआ तो और कमज़ोर हो गई जब डॉक्टर्स फिजियोथेरेपी देते हैं या फिर कुछ भी पीठ में उनके मार रहे हैं जैसे कि लंग्स को एक्टिव किया जाए तो बेचारी खांस रही हैं और और सिकुड़ जा रही हैं श्रिंक हो जा रही हैं कमज़ोर तो पहले से थी तो वो देख करके बड़ा पेनफुल लगता है वो देखा नहीं जाता बट फिर भी फ़ाइट कर रही हैं और काफ़ी एक्टिव हैं बातचीत भी कर रही हैं है ना एक्सरसाइज भी कर रही हैं चलवाए भी उनको जा रहा है तो फाइटिंग स्प्रिट तो है हार ना मानने की जो क्वालिटी मेरे अंदर शायद उन्हीं से आई है <laughs> कि सिचुएशन uh, कैसी भी होगी फाइट बैक बाउंस बैक है ना अगर इस पृथ्वी पर है इस धरती पर है तो हम हमेशा सुख नहीं भोग सकते हैं है ना कहते नहीं सुख तो सच्चा साथी तो दुखी होता है सुख तो कुछ दिनों के लिए होता है ठीक है तो अगर इस पृथ्वी लोक पर हो आप तो हार्ड टाइम्स गुड टाइम्स बैड टाइम्स सब आपको झेलने होंगे है ना? इंसान वही सही है मैच्योर वही इंसान है जो इन चीज़ों से ऊपर उठ जाए और ये फील करे कि अच्छा ये अगर टाइम है तो अच्छा टाइम भी आएगा और अगर अच्छा टाइम है तो बुरा टाइम भी आएगा हमें हर एक टाइम को लेकर के पहले से सज्ज रहना होगा पहले से सतर्क रहना होगा और पहले से अपने माइंड को मेकअप करके रखना होगा कि अगर कुछ होता है तो हम पैनिक नहीं होंगे घबराएंगे नहीं बेस्ट पॉसिबल वे ढूंढने की कोशिश करेंगे ठीक है ऐसे ही आपके लिए भी हम यही संदेश देंगे कि घबराना नहीं है कभी भी कोई सिचुएशन अगर आपको परेशान करे तो है ना हार नहीं मानना है कि सर मेरे साथ ही क्यों हो रहा है आपके सामने हम जीते जागते एग्जाम्पल हैं जो हमेशा आपको अपनी स्टोरी बता रहे होते हैं अपनी कहानी से हम आपको कहीं ना कहीं रूबरू कर रहे होते हैं और उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप हमें देख रहे हो आप हमें सुन रहे हो आप हमें जान रहे हो तो एटलीस्ट आपको चीज़ें पता हैं आप समझोगे इस चीज़ को है ना कि नवनीत सर ऐसे हैं जिनके साथ अप्स एंड डाउंस लगातार लगे रहते हैं जो जाने का नाम नहीं लेते लेकिन नवनीत सर के जो फेस पर स्माइल है या जो काम करने का डेडिकेशन है वो कम नहीं होता पर्सनल लाइफ में वो भी हम हैंडल कर रहे हैं और वर्किंग लाइफ में आप लोग के एग्ज़ाम आप लोग का करियर आप लोग की जो डेस्टनी है उसको भी अच्छा करने में हम लगे हुए हैं अगर आप पढ़ाई नहीं करो तो उसके लिए भी हम आपको डांटते हैं इतना स्ट्रेस होने के बाद भी हम आपके लिए सोच लेते हैं कि नहीं यार बच्चों का सिलेक्शन इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट ठीक है तो ऐसा ही है मेहनत करेंगे सब कुछ होगा है ना सब अच्छा होगा आप भी सिलेक्शन पाओगे ठीक है चलो फिर बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम आपको बता दें जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये सारे बैचेस हैं देखो वायरल मैथ्स का बैच है मास्टर्स बैच है बैंकिंग फाउंडेशन बैच जो कि फ्यूचर में बनेगा विनर्स बैच आर बी एसटेंट का तो ये सारे के सारे बचेज़ हैं अलग अलग इनरोल तो करोगे नहीं इनोलमेंट इसमें भी अब शुरू हो चुका है सुदर्शन में है ना अर्थमेटिक की पोर्शन तो बैंक पे एक बेस्ट है इनरोल कर सकते हो वाई थ्री नाइन टू जिससे कि आप एक बार में सब्सक्रिप्शन लेके सारे बैचेस पा जाओ साथ में आपको तेईस हजार से अधिक रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएं आठ हज़ार से अधिक आपके पास मॉक्स मिल जाएँ और तीन हज़ार से अधिक आपके पास ई बुक्स आ जाएँ कुछ फैकल्टीज आपको डाउट भी आपके लेने के लिए रहेंगे वहाँ पर है ना अवेलेबल और हैंड रिटर्न नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो इतनी सारी बातें रहेंगी तो बैंक महापैक आपके लिए बेस्ट है इनरोल करने के लिए कोड क्या है वाई थ्री नाइन टू हाँ हो सकता है डी भी चल रही हो आप अगर आगर आप इस शोर पर जाकर देखोगे डी का मतलब होता है सिक्स मंथ की कॉस्ट पर सिक्स मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी और बारह मंथ की कॉस्ट पर बारह मंथ एक्स्ट्रा मिलेगी तो रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चों से कि बैंक वहाँ पैक आप इनरोल करें ठीक है आगे बढ़ते हैं बुक्स के ऊपर डिस्काउंट ऑफ़र किया गया है तो वाई थ्री नाइन टू एस का यूज़ करके आप आ, इस बुक को भी आप इनरोल कर सकते हो अपने घर पर मंगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी है और साथ में बुक्स की बात करें तो बैंक सुप्रीम बुक्स टू पॉइंट है ना टू बेस्ट रहेगा इन कर लो क्योंकि इसकी कॉल बहुत ज़्यादा रहती है बच्चों के दिमाग में तो इन कर सकते हो क्योंकि ऑफर चल रहा है 22% का फ्लैट डिस्काउंट है और फ्री डिलीवरी भी है ठीक है तो कोड क्या है वाई थ्री नाइन टू एस इसका यूज करके आप ले सकते हो चलो फिर बाय केयर ऑल द बेस्ट मिलते हैं फिर आपसे अगले सेशन में आप पढ़ते रहें मुस्कुराते रहे देखते रहे सीखते रहे ट्वेंटी फोर सेवन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साथ अपने पेड बैस कर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जय हिंद बच्चों